वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड ऑफ स्पीति वैली टूर। आज जा रहे हैं नाको फ्रॉम पिनवैली। हमारा लगभग 5-6 दिन का टूर अभी हो चुका है। पिनवैली में काल जैसे बहुत मौसम खराब था, आज बहुत सनी वेदर है। अभी टाइम हो रही है 10 बजे। हम लोग यहाँ से चलेंगे ग्यू मोनेस्ट्री या फिर ग्यू मम्मी होके सीधा नाको। नाको पिनवैली से जाने के लिए अराउंड 5-5.5 घंटे लगेगा विद ब्रेक। This is the first time I am seeing sunshine in the Spiti Valley because after 4 to 5 days इतना sunshine एक साथ देखने को मिला तो बहुत अच्छा लग रहा है कि पिन वैली में मिला है, because पिन वैली में हरियाली भी है और दूर पहाड़ में बर्फ भी है। एक ब्रिज क्रॉस करके हम लोग पिन वैली से निकल रहे हैं और अभी जा रहे हैं मानेगांव, बिकॉज रास्ते से निकलने से बाद ही पता चला कि ऑन द वे टू नाको देर इज़ ए प्लेस कॉल्ड मनिंग नाला और वो रास्ता कम्प्लीटली ख़राब हो चुका है। ये जो देखो रिवर के बगल में जो रास्ता है, ये रास्ता सीधा जा रही है नाको की तरफ और हम लोग अभी जा रहे हैं मानेगांव की तरफ। तो कितना ब्यूटीफुल रास्ता और सीन है, सीनिक ब्यूटी, आप कम्प्लीटली इसको इन्जॉय कर ही सकते हो। मतलब हमारी जो ट्रिप है, इस ट्रिप में कोई ना कोई एक दो इधर उधर घटना घटता जा रहा है। नाको वाली जो रास्ता है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका है। अभी वहाँ पे ब्लास्ट करके पत्थर हटा के रास्ता बनाने की कोशिश हो रही है। नाको में हमारी जो नाको लेक व्यू होटल में बुकिंग थी वहाँ पे हमने यहाँ से कॉल करा तो वहाँ पे वो लोग बोले कि 3-4 बजे से पहले तो कुछ बताना ही मुश्किल है। अभी टाइम हो रही है 11 बजे। पता नहीं नाको जा पाएंगे कि नहीं, क्योंकि नाको के बाद हमारा प्लान सरहान का है। तो सरहान में अगर आज नाको नहीं जा पाए तो सरहान तो बहुत दूर हो जाएगी। तो देखते हैं, अभी यहाँ पे रुकते हैं, थोड़ा बहुत टहलते हैं गांव में, थोड़ा चाय वगैरह पीते हैं और कितनी देर में खुलेगी रास्ता वो भी पता करते हैं। मानेगांव में ये हमारी पायलट दादा सोनम जी का घर भी है और होम स्टे है और इस होम स्टे से आप चारों तरह का ब्यूटी देख सकते हो। मानेगांव एक्चुअली बाइकर्स ही स्पेशली आते हैं, बाकी टूरिस्ट लोग यहाँ पे नहीं आते हैं। ये सोनम जी का घर है। पहाड़ के लोगों का घर कितना सुंदर होता है देखो, यहाँ पे वो सारे कटलरीज रखते हैं, पॉट्स वगैरह रखते हैं और ये उनका डाइनिंग एरिया है। यहाँ पे कुछ अपने घर साइड जैसे टेबल चेयर्स होते हैं, यहाँ पे बैठने का जगह कम्प्लीटली डिफरेंट है। वो लोग सारा नीचे गद्दे गुद्दे पात के रखते हैं तो उसी में हम लोग बैठे हैं। बहुत ही अच्छे से वो लोग हमें चाय पिला। ये सोनम जी है, देखिए कितने अच्छे से, कितनी लवेबल वे से वो चाय पिला रहे हैं, सबको चाय दे रहे हैं। ऐस कि हमें बहुत टाइम तक यहाँ रहना पड़ेगा, करीब 4-5 घंटे के लिए, इसीलिए वो हमारे लिए लंच की तैयारी भी कर रहे हैं। फ्रेश उनके खेत से वेजिटेबल्स उठा के खिचड़ी बना रहे हैं। ये मैडम जी है, सोनम जी के वाइफ है, वो बहुत ही प्यारी है, बहुत ही अच्छे से सलाद काट के खिचड़ी, वहाँ पे वहाँ का खिचड़ी थोड़ा डिफरेंट होता है, उन लोग खिचड़ी को पुलाव बोलते हैं। तो वेजिटेबल्स खिचड़ी है, फ्रेश वेजिटेबल्स खिचड़ी और चटनी के साथ और पानी। थैंक यू सो मच। ये हमारा लिस्ट पे नहीं था लेकिन किस्मत में था आपसे मिलना। मैडम जी नमस्ते, बहुत अच्छा लगा, खाना खिलाया, चाय भी पिया, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, चलता है, फिर मिलेंगे। नेक्स्ट टाइम जब भी कोलकाता आना ना, उनके पास हमारा नंबर है, आप कॉल करना कभी भी। हम लोग इतना देर तक, करीब 1.5-2 घंटा तक सोनम जी के घर पे थे। आपको भी तो हमारी होटल बुकिंग थी, अब शायद वो होटल जो बुकिंग थी वो कैंसिल करना पड़ेगा या फिर किसी दूसरे जगह पे जाना पड़ेगा। जो होटल का जितना भी एडवांस दिया हुआ है वो सब वेस्ट हो जाएगा। तो अभी चलते ग्यू मोनेस्ट्री, ग्यू मोनेस्ट्री में जाके पता करते कि रास्ते में क्या क्या कंडीशन है रास्ते का। फर्स्ट टाइम इन द स्पीति वैली वी हैव फाउंड ब्लू शिप। देख के तो आप इसको भेड़ बकरी टाइप का कुछ लगेगा या फिर हरिन लगेगा, लेकिन दिस इज़ ब्लू शिप। इनका ब्लू शिप मतलब इसका रंग तो ब्लू नहीं होता है, बट दिस इज़ ब्लू शिप। इसका जो हॉर्न है वो थोड़ा डिफरेंट है और ये इसलिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोला जाता है कि ये ओपन घूमते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे स्नो लेपर्ड्स भी देखने को मिलता है, अगर आप विंटर पे आओगे तो आपको स्नो लेपर्ड्स भी देखने को मिलेगी। एक्चुअली ये स्नो लेपर्ड्स ब्लू शिप को अटैक करते हैं, इसीलिए कभी कभी बाहर भी आ जाते हैं विंटर के टाइम में। अभी रुके एक लामा जी के कॉन्वॉय में। ये एक लामा जी का कॉन्वॉय, ये शायद कोई टेम्पल है पास में तो टेम्पल में आया। तो ये कॉन्वॉय करीब 100 गाड़ियों का है और हमें शायद आधा घंटा 45 मिनट तक रुकना पड़े, बहुत बड़ी कॉन्वॉय। शाम हो रहा है, हम लोग मनिंग नाला के आसपास ही है, ग्यू मम्मी देखने जा रहे हैं और फिर से क्लाउडी हो रखा है, फिर से मौसम बहुत ख़राब हो रहा है। बहुत मेहनत के बाद, बहुत वेटिंग के बाद हम लोग
पहुंच गए ग्यू मॉनेस्ट्री या फिर ग्यू मम्मी। ग्यू इज अ विलेज इन लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश इन इंडिया। एंड यहाँ पे एक 500 साल पुरानी मम्मी है ऑफ सांगा तेंजिंग नाम के एक मॉन्ग का। ये एक बुद्धिस्ट मॉन्ग है फ्रॉम टिबेट। ये बैठे बैठे खुद को मॉडिफाइड किए थे जब एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। एंड इट वॉज सेड फ्रॉम द मॉन्ग्स दैट दिस मम्मी वॉज स्टोलन बाय द श्रीन एंड ड्यू टू द एक्टिवनेस ऑफ द लोकल अथॉरिटीज दे रिटर्न द मम्मी। ये जो रास्ता आप देख रहे हो ये रास्ता खराब रास्ता छोड़ के हम अच्छे रास्ते में पहुँच चुके हैं एंड आगे जाके फिर से खराब रास्ता मिलने वाली है ऑन द वे टू नाको। इसी रास्ते में ये रहा मनिंग नाला जो कुछ देर पहले ये रास्ता कम्प्लीटली ब्लास्टेड था। ये वहाँ पे कुछ नहीं था, आगे गाड़ी आप देख सकते हो पहाड़ काटने वाला। ये लोग एक्चुअली रास्ता काट के पहाड़ में ब्लास्ट करके रास्ता बना रहे ताकि 2-4 महीने बाद आपको कम्प्लीट बहुत अच्छा सुंदर रास्ता मिले, ना कि पहाड़ वाला खतरनाक डेंजरस रास्ता जहाँ पे हमेशा लैंडस्लाइड होती रहती है। तो इसीलिए रास्ते में ब्लास्ट करके वो पहाड़ काट के आप लोगों के लिए हमारे लिए बहुत अच्छा सुंदर रास्ता बना रहे इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्पीति वैली, ताकि जो ट्रैवल है वो 12-13 घंटा ट्रैवल हम लोग करते हैं किसी एक जगह जाने के लिए, वो टाइम थोड़ा कम हो। अभी हम लोग पहुँचते हैं नाको और नाको पहुँचते पहुँचते तो शाम हो गया। पता नहीं नाको में जाके कुछ देख पाएंगे कि नहीं। मनिंग नाला क्रॉस कर रहे हैं अभी, आप देख सकते हो कितना डेंजरस, कितना खतरनाक तरीके से रास्ता कटा हुआ है। एंड दूर पहाड़ी में आपको क्या ही मैं बताऊँ, कितना बेहतरीन, कितना सुंदर नज़ारा है। आप देखो क्लाउड हो रखा है और दूर पहाड़ी में बर्फ़ है, सनसेट हो रहा है। ये मैं कुछ एडिट नहीं किया इस वीडियो कलर को, सचमुच मुझे ऐसा ही कलर दिख रहा है वहाँ पे। नाको पहुँच के अभी हम होटल भी नहीं पहुँचे, हमारी आज स्टे है होटल द रिवर लेक व्यू होटल, लेक व्यू होटल पे। और नाको में पहुँचने के बाद ही इतना अच्छा जो देखने को मिल रहा है सीनरी, तो आई एम ग्लैड। काजा से ही हम लोग एक्चुअली एप्रिकॉट ढूंढ रहे, तो हमारा जो ड्राइवर दादा है वो बोले कि नाको में एक दुकान है वहाँ पे आपको एप्रिकॉट मिलेगी। आप लोग दूसरे किसी शॉपिंग भी कर सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कि काजा में एप्रिकॉट ज़्यादा टेस्टी था। यहाँ पे एप्रिकॉट थोड़ा खट्टा है, बहुत करा था। ये एप्रिकॉट 450 किलो लिया है यहाँ से। अब हमें आगे देखना है कि इससे अच्छा मिलता है कि नहीं, बिकॉज काजा में बहुत अच्छा एप्रिकॉट मिल रहा था 500 में। ये थोड़ा खट्टा मीठा है, काजा वाला पूरा मीठा था। जिस स्टॉल में रुके थे वहाँ से बाहर का नज़ारा देखो, जस्ट अभी सन सेट हो रहा है, अभी टाइम हो रही है आपका 6:30-7 बजे, और इतना सुंदर व्यू स्पीति वैली में सनसेट का तो कभी नहीं, कहीं नहीं मिला। एक्चुअली हम लोग इतना घंटे ट्रैवल करते सिर्फ सोने के लिए रात को आते, लेकिन हम शायद यही देखने के लिए आते कि 12-13 घंटे ट्रैवल करेंगे और पहाड़ देखेंगे, स्नो देखेंगे, दूर पहाड़ी में क्लाउड देखेंगे। एक भी होटल तक रास्ता अब तब तक नहीं बना था, अब शायद बन चुका होगा। तो हम लोग गाड़ी थोड़ा दूर पार्क करके नाको विलेज होके द लेक व्यू होटल पहुँचेंगे। ये विलेज कम्प्लीटली पत्थर का और मिट्टी का बना हुआ है, आप देख सकते हो, बहुत सुंदर लगेगा। आप फर्स्ट टाइम जाओगे तो वहाँ का लाइफस्टाइल क्या है वो कम्प्लीटली मुझे नहीं पता है। तो हम लोग रास्ता थोड़ा बहुत ट्रेक करके, बहुत सामान था, होटल से भी बहुत मदद मिली, तो ये हम लोग पहुँच चुके हैं लेक व्यू होटल। सामने लेक है, दूर माउंटेन है, पहाड़ है, और लेक व्यू होटल के साथ एक और होटल साइड में है। वो लोग हमको रिक्वेस्ट किए कि ये होटल न्यू बना है तो आप थोड़ा रूम्स देख लो, अगर आपको पसंद आए तो इस होटल में रह जाओ। वैसे ये एक्सटेंशन है लेक व्यू होटल का, और ये लेक व्यू होटल और उसके बगल होटल से बाहर का नज़ारा कुछ इस तरह से। मैं आपको रूम टूर करा देता हूँ। ये हमारी रूम है, डबल बेड रूम है, आप 3 जन एक साथ रह सकते हो। वैसे हम लोग 3 लोग यहाँ पे, मेरे मम्मी पापा और मैं यहाँ पे सोए थे। इस रूम का जो फेयर है वो 2000 रुपीज़ है, और कंप्लीट वुडन का रूम है, सब कुछ फैसिलिटीज़ है, गर्म पानी भी वो लोग देते हैं, वॉशरूम में गीज़र है, सब कुछ है। ये होटल के बाहर से, अभी तो बहुत ठंडा हवा चल रहा है होटल के बाहर से, ये थोड़ा बैल्कोनी टाइप का, पर्सनल बैल्कोनी टाइप का एंड टेरेस टाइप का आपको मिलेगा। वहाँ से आप बाहर का नज़ारा देख सकते हो, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। अभी तो शाम हो चुकी है, 7:30 हो रहा है, तो सनशाइन तो अभी नहीं है, रात को अभी बहुत ठंड भी पड़ रहा है, विंड भी, स्नो विंड भी बहुत आ रही है, तो फटाफट अंदर जाते हैं। ये उनका डाइनिंग एरिया है, आपको खाना रात को ऑर्डर देना पड़ेगा। आप डाइनिंग एरिया देखो कितना सुंदर है, तो आप आके यहाँ पे खाना का ऑर्डर दे रहे हो, हम लोग वही कर रहे हैं। सुबह मॉर्निंग में आप कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट ले सकते हो, नहीं भी ले सकते हो, खूब एलिकाटे से आप खाना मंगा सकते हो।